दीदी, आपने अभी कहा सीवर सिस्टम हर सिटी और विलेज में होता है। हाँ बिल्कुल। और जितना मुझे दिख रहा है ये तो बहुत ही बड़ा सिस्टम होता होगा और इसे बनाने में भी बहुत टाइम लगता होगा। ये भी सही है, इसे बनाने और मेंटेन करने में टाइम तो लगता है। तो फिर हम इसे बनाते ही क्यों है? हमारी पॉटी मिट्टी में डालने से बहुत फर्क पड़ता है क्या? नहीं, शायद बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम नेचर की दी गई चीजें जैसे खाना और पानी लंबे समय तक यूज कर सकें, तो इसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम नेचर को उन्हें वापस करते रहें। और सीवर सिस्टम यही काम करता है, नेचर की ली हुई चीजें उनको वापस कर देता है। कैसे दीदी? सिंपल है, ये बताओ कि जो पानी हम घरों में यूज करते हैं वो कहाँ से आता है? शायद नदी से। और सीवर सिस्टम पानी को कहाँ ले जाकर छोड़ता है? नदी या किसी पॉन्ड में। तो देखा, कर दिया ना वापस, और वो भी उसे साफ करके वापस किया। सीवेज प्लांट ने पहले उसको साफ किया और फिर वापस किया। हाँ बात तो सही है दीदी। और अगर इसी तरह देखो तो प्लांट अपना फूड यानी प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह मिट्टी से लेता है और हम अपना फूड प्लांट से। तो फिर अगर हमने पॉटी के बैक्टीरियाज हटाकर उसको मिट्टी में वापस पहुंचा दिया तो एक तरह से हमने मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स को उसको वापस दे दिया ना। हाँ ये भी सही है, पर दीदी हम अपना सारा फूड तो प्लांट से नहीं लेते, कुछ फूड हम एनिमल से भी लेते हैं जैसे कि मीट, अंडा, दूध वगैरह। हाँ लेकिन अगर सोचो तो जो ये एनिमल्स हमें फूड देते हैं वो अपना फूड तो प्लांट से ही लेते हैं ना, जैसे कि मिल्क देने वाली काउस, बफलोज और गोट्स घास और प्लांट्स खाती हैं, वैसे ही मीट और अंडे देने वाली चिकन गेहूं, चावल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह खाती हैं, तो अल्टीमेटली इनका फूड भी तो मिट्टी से ही आ रहा है ना। हाँ इस तरह से देखें तो सारे फूड की शुरुआत मिट्टी से ही होती है। हाँ इसीलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम जो कुछ भी हो सके वापस मिट्टी को देते रहें, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मिट्टी से मिलने वाला खाना और नदियों और तालाबों से मिलने वाला पानी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ओके दीदी समझ गया। वेरी गुड।